फ्रेश हवा भी आ रही है और तो खाने की खुशबू आ रही है। तो मैरिज हॉल है, बहुत अच्छी सैटरडे है। पहले सलाद खाते हैं ना, फिर अच्छी भूख लग जाती है। ये जा मुझसे माल्टा ले रही है ठंडा। ठीक हो गए, हम भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल फिट फाट हैं, ठीक ठाक हैं। वैसे मैं शादियाँ इंजॉय कर रहे हैं तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं, तो आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। अभी हम आए हैं तो हम आप लोगों के साथ सारी अपनी शादी जो जो इधर खाएंगे, जो जो होंगे शादी में, जो कुछ होता है आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताया करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन भाई साहब है या मेरी बेटी है या कोई भी मेरी बहन है, तो ज़रूर बताना हमें कमेंट्स बॉक्स में। हमारे चैनल को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे अपनी लुक तो दिखाएं। और मुझे लगता है कि सब शादियों पर आजकल गए हुए क्योंकि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, ना ही सब्सक्राइब। ये मेरी फुल लुक है जी मेरी। फिर वही पुराना जूता, पुरानी आप भी पुराने नहीं, ये मेरे फुल लुक। तो अब हम इधर गार्डन पर पहुँच गए, मैरिज हॉल है, बहुत अच्छी सेटिंग की हुई है। तो अभी मेहमान ज़्यादा नहीं आए, थोड़े थोड़े आए, अभी थोड़े रह गए, उनके वेट में बैठे हैं अभी सब। हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट करना, वक्त वक्त से सब वीडियो बनाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा तो हाँ। भाई आज बहुत धूप तेज निकली है तो बाहर पंखे का अरेंजमेंट नहीं किया तो हमें गर्मी हो रही थी, तो हम ब्राइडल रूम में आ गए हैं। इधर तो पंखा जा रहा था, तो इधर छांव भी थी, उधर छांव भी थी, मगर वो छत लगी है ना तो गर्मी थी। तो ये गला साफ करना, भी खाना नहीं खाया, पता नहीं क्या हो गया गले को। अच्छी बात है ना कि सॉन्ग नहीं है, काफी राइड नहीं है। नहीं फिर भी शादी में थोड़ा बहुत तो इंजॉय करना चाहिए। अच्छा तो मैं आप लोगों को बताऊं, इधर शीशे में अपने आप से बातें कर लेती हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ग्रीन गार्डन है, ये फैसलाबाद रोड पे है, फैसलाबाद फाटक के पास है बिल्कुल। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया अल्लाह पाक, इनके कारोबार में तरक्की अदा फरमाए जी, तो आमीन सुमा आमीन। बहुत अच्छा सेटअप बनाया है, तो आप भी आए इधर विजिट करें, बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छा कॉपरेट करते हैं, ठीक है जी। तो अब चलते हैं, देखते हैं। मैं दुल्हन तो आ गई हूँ, तो दुल्हन की हम वीडियो नहीं बना सकते, मसला है कि हम अपनी बना सकते हैं और किसी की हम आप लोगों के साथ क्या शेयर करें। आप खुद ही समझदार हैं, बताओ। अम्मी खुद ही शीशे में सान लगी हुई है। हाँ ऐसे बंदा लग रहा है जैसे पागल है। अच्छा तो गाइस उधर ना रिजल्ट सही नहीं आ रहा था, इसलिए हम ब्राइडल रूम में जाके थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। इधर ठंडी फ्रेश हवा भी आ रही है और इधर रिजल्ट भी सही अच्छा आ रहा है। तो अब लगता है हल्का हल्का खाना की खुशबू आ रही है, तो खाने की खुशबू आ रही है तो खाना हमें अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब हम चलते हैं। अली आ इधर, ये इसने पहले भी मेरे साथ वीडियो बनवाई थी ना, ये बहुत अच्छा है, मुझे जब से ये मिला है इसकी मैं फैन हो गई, ये मेरा फैन हो गया। इसलिए गुड बॉय, ठीक है। मैंने कहा था ना कि खाने की खुशबू आ रही है, अभी दो ऐट में आ गए हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी और सलाद आ गया अभी। हम सलाद से स्टार्ट करते हैं, पहले सलाद खाते हैं ना, फिर अच्छी भूख लग जाती है मुझे। अच्छा तो अभी ये खाना आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, मीठा भी दे दिया उन्होंने, तो मक्खियाँ पहले भी बहुत थी, मीठे के साथ और आ गई हैं। तो हम खाना स्टार्ट करते हैं, ये ना कि अंदर कोई मक्खी चली। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना वगैरह खा लिया जी। तो जब खाना आया था टेबल ऐसे दुल्हन की तरह सजा आया था, अब देख के सारा बिखरा पड़ा, अब सारे बर्तन सीमेंट में आप लोगों को नजर आ रहा होगा। खाया हमने थोड़ा, ये ना समझना कि वाकई सही कह रही है, इधर वाले जो इर्द गिर्द वाले खाने वाले नहीं, बस चखने वाले हैं, हमने वो पेट भर भर के ठूसते हैं उनमें से नहीं। अब हमने सबने अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह सबने खा लिया, तो बर्तन सारे सीमेंटे जा रहे हैं, काफ़ी मेहमान भी चले गए हैं, अब बस दुल्हन वाले के थोड़े से नज़दीक खड़े हैं। तो ये आप लोगों को बर्तन मक्खियाँ बिन बनाती नज़र आ रही होंगी, सब पंडाल खाली हो चुका है, नहीं खाली नहीं है अभी, वो उधर रश है, देख कितना रश दिखा ना, उधर भी रश है, अभी रश है,
तो हमने कहा चलो अभी हम थोड़ी सी आप लोगों के लिए वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करते हैं, तो फिर चलते हैं घर, घर चल के फिर एंड करते हैं। तो अब हमने शाम को कहीं और भी जाना है, आप लोगों को पहले भी नाम बता दूं आपको? नहीं आप पहले क्यों बता रही हैं? नहीं उनको बता रही हूं, नहीं आप पहले ना, अपने हैं वो कौन से पराए हैं, तो आप लोग वो व्लॉग में देखेंगे कि हम कहाँ गए हैं। ठीक है, अब हमने कहीं और भी जाना है, अब उसकी जाके तैयारी करनी है, असर का टाइम है, नमाज भी पढ़नी है। अब हम मेरे ख्याल में चलते हैं मरियम, हाँ चले चल। तो उधर हमें गर्मी लग रही थी तो हम अब इधर ब्राइडल रूम में आए हैं, तो उधर पंखे नहीं थे और ये अम्मी भी खा खा के थक गई हैं। अम्मी ने आज इतनी कड़वी मिर्च खाई है तो अम्मी के कानों में से धुएं निकले हैं और अम्मी को फिर और अम्मी के कानों में से धुएं निकले हैं। इतनी तेज़ मिर्च थी, मैंने खाई थी, मुझे भी कुछ होने लग गया। मैं तो दो खा रही हूँ, जो मैं इतने अच्छे से इतने कड़वे बंदे बर्दाश्त कर रही हूँ तो मिर्चें क्या कौड़ी हैं। मैं सब कुछ कौड़ा छोड़ा, मीठा मीठा नहीं खाती, कड़वा तो मैं खा लेती, कोई बात नहीं। अब गाड़ी के वेट में बैठे हुए हम, कब गाड़ी आए, घर क्या है, घर आराम से जाके बैठे। तो भाई साहब गाड़ी लेने गए हैं हमें, हम उनके वेट में इधर बैठे हैं, हम कॉल करती है कि हम इधर बैठे हैं। तो गर्मी इस दफ़ा बहुत जल्दी आ रही है, आप लोग गर्मी की ना तैयारी कर लेंगे? नहीं जी, हमने तैयारी की हुई है पहले से, क्योंकि जितनी भी तेज़ ज़्यादा गर्मी है हमने बर्दाश्त करनी है, तो गर्मी क्या कर सकते। वैसे भी ना हर चीज़ को बर्दाश्त करना सीख लो, जिसने गर्मी बर्दाश्त कर ली ना उसने सब कुछ बर्दाश्त, सच्ची बात। क्योंकि इसका मतलब है बर्दाश्त करने का, दूसरा मतलब है सब्र। तो सब्र करने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करते हैं, तो सब्र ही करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप अल्लाह की रजा के लिए सब्र कर रहे हैं ना, तो यकीन माने आपको इतनी खुशियाँ मिलेंगी जो आपके तसव्वुर में मिली होती। तो अब हम चले, तब बहना गाड़ी नहीं आती। नहीं अब चलते हैं, इधर बैठ के क्या करना है, फोन करें ना तो थोड़ा सा यहाँ से बाहर जाकर खड़े हो ले, बाहर खड़े बाद में खड़े। अच्छा ठीक है, हम वेट करते हैं। जब आते हैं ऐसे मेकअप शेकअप करके खड़ी होती तो मर्द आपकी ज़्यादा देखने लग जाती, इसलिए अंदर ही बैठ। सारे कहाँ चले गए हो मेरे व्यूवर, मेरे यूट्यूब फैमिली, जो भी यूट्यूब पे देखते हैं व्लॉग, तो सारे कहाँ मसरूफ़ हो गए, नौकरियाँ छोकरियाँ लग गई हैं। बंदा जहाँ भी हो मोबाइल तो हाथ में ही होता है, व्यूज़ नहीं आ गए, अल्लाह का नाम है, वीडियो वॉच करो जी। हाँ मोबाइल तो आप जहाँ भी जाए साथ रखते ही हैं, और मोबाइल हो ऊपर नेट पैकेज ना हो ये तो हो नहीं सकता, कि मोबाइल का फ़ायदा क्या होता है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अब हम घर आ गए हैं, आप लोगों को नज़र आ गया होगा कि बाजी थक हार के घर आ चुकी है। एक घंटा हम गाड़ी के वेट में बैठे रहे हैं जी, चौधरी साहब ने कहा अभी बैठो गाड़ी आ रही है जी। तो फिर बाहर रास्ता मेहमान काफ़ी थे, गाड़ी हमारी अंदर नहीं आ सकी तो हमें घंटा लग गया जी, हाँ इसलिए लेट हो गई है, हम उधर वीडियो बना नहीं सके, तो रिजल्ट भी उधर सही नहीं आ रहा था। हमने कहा जब घर चल के बनाते हैं जी, अब आप लोगों के सामने एक एक चीज़ उतार के रखती हूँ जी। बेचारियाँ बहुत बहुत वो होती हैं, कैसे दुल्हन इतना मेकअप और इतना कुछ पहन के बैठती हैं, ज्वेलरी 1 किलो उन्होंने ज्वेलरी पहनी होती है, तो भाई उनका ही काम है, हमारी जैसी औरतों का काम नहीं। खाना छाना खाया, शादियाँ खा ली हैं, अब शादी तकरीबन ख़त्म हो गई, अब घर का सादा खाना खाएंगे। ये जाम उसे माल्टा ले रही है, ठंडा यख मैंने उठाया है, तो आज मुझे बहुत प्यास लग रही क्योंकि उधर बड़ा गोश्त पका हुआ था, बीफ चिकन नहीं था। तो फिर आप लोगों को पता है भूख बहुत प्यास बहुत लगती है, तो मैं माल्टा खाऊंगी तो ठंड पड़ जाएगी। तो आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ जी, ठीक है, अपना ढेरों ढेरों ख्याल रखना, हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अपना ढेरों ढेरों ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट कोशिश में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।